जून सेल 0, जुलाई सेल 0, अगस्त सेल अंडा, अंडों पे अंडे। तुम्हें किसी गारमेंट फैक्ट्री में नहीं बल्कि किसी पोल्ट्री फार्म में होना चाहिए। जहाँ जाते हो अंडा छोड़कर आते हो। लेकिन सर मैं ही नहीं, काफी सारों ने अंडे दिए हैं सर। शट अप, सेल्स ग्राफ तो देखो, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और तुमने इस महीने एक भी स्कर्ट नहीं बेची है, एक भी नहीं सर, एक बेचा है सर। तुम जानते हो अस्वस्थि, तुम जैसे फेलियर के साथ कंपनी किस तरह का सलूक करती है। नहीं सर, अगले महीने मैं बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा सर। पिछले महीने भी तुमने यही कहा था कि अगले महीने परफॉर्म करूंगा, और वो अगला महीना पिछले महीने ये महीना था। जाओ उस कोने में, आज सारा दिन मुर्गा बनकर खड़े हो जाओ। ब्लाउज डिपार्टमेंट, कैसे गेस किया? कंपनी हमें गधों की तरह ट्रीट करती है। चल यार, ये काम का टेंशन तो मुझे खत्म कर देगा, तुम इसे कैसे झेल लेते हो? अपना गुस्सा किसी और पे निकालना सीखो, खास करके किसी ऐसे बंदे पर जो तुमसे छोटा और पतला हो। बच्चे हैं? स्टूडेंट्स की पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? सर मुझे लगता है कि आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बच्चे कुछ ज्यादा नॉटी हो गए। सर एक वो स्टूडेंट है, परेशान है सर। परेशान है? यस सर। क्यों परेशान है? क्योंकि वो परेशान है सर। बट व्हाई इज परेशान? वो सर क्योंकि उसका नाम परेशान है, परेशान अस्वस्थी। एंड सर वो हमेशा खिड़की के बाहर ही देखता रहता है। लेडीज हॉस्टल का जो बाथरूम है ना, हां इस खिड़की के ठीक सामने है। पर सर ये आपको कैसे मालूम? इस खिड़की के ऊपर मेरा ऑफिस है। ऊपर से याद आया, ब्रिगेंजा का नहाने का समय हो गया है। I'll see you later, I'll see you. सर प्लीज आप उस परेशान का कुछ कीजिए सर। A simple maths problem. अगर अनिल के पास 4 आम है और सुनील के पास 4 आम है, और वो दोनों उसमें से एक एक आम अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं, तो उनके पास टोटल कितने आम बचेंगे? परेशान, परेशान अपनी बॉडी के साथ अपना माइंड भी क्लास में लाया करो। टीचर मैं भी आम की प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा था, मगर मुझे तो ये ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अनिल और सुनील किसी को आम देंगे। आजकल के जमाने में सब इतने सेल्फिश और मीन हो गए हैं कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और वैसे भी किसी के पास अगर 4 आम भी हो तभी वो उन 4 आमों से खुश नहीं है, और आम पाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत हो सकती है, और पैसों की लालच में आकर वो गलत काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि किडनैपिंग, जैसे कि चरस गांजा बेचना। ठीक है बैठ जाओ, पता नहीं कौन सी दुनिया में उड़ते रहते हो। मैडम अगर बाय चांस उन्होंने गलत काम नहीं किया तो फिर उन्हें जरूर ओवरटाइम करना पड़ेगा, और फिर अगर वो ओवरटाइम करेंगे तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है मैम, क्योंकि उनके पास उनके बच्चों के लिए समय भी नहीं होगा, इसलिए तो बहुत बुरा हाल हो सकता है, और आप तो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर की हालत देख ही रहे हैं। और मैम फाइनली तो मैं यही सोचता हूँ कि अनिल और सुनील दोनों को ना किसी से आम लेने चाहिए और ना ही किसी को आम देने चाहिए। क्या सीधा जवाब नहीं दे सकते? सीधा क्या है और टेढ़ा क्या है किसे मालूम, आज अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं तो वो रास्ता सीधा दिखता है, मगर अगर उसी रास्ते को हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो वो रास्ता टेढ़ा है ना। गेट आउट।
गेट आउट कहाँ से? क्लास से गेट आउट या स्कूल से गेट आउट? अगर मैं स्कूल से गेट आउट तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे, मेरी माताजी मेरे बाल नोच लेंगी। है परेशान, तेरी खोपड़ी के अंदर भेजा है मल्टीप्लेक्सर थिएटर जो एक साथ 10-10 पिक्चरें चलती है। फिर पनिश किया, मॉडल साइंस का होमवर्क किया, तू तो गया। घर आ गया। ओह परेशान, आओ इधर आओ परेशान। डैडी डैडी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है डैडी। 3 बजे मेरा मैथ्स ट्यूशन शुरू हो जाता है, 4 बजे मेरा हिस्ट्री है, उसके बाद 5:10 पर जियोग्राफी है, उसके बाद 6:18 पर इंग्लिश ट्यूशन है, 7:12 पर हिंदी शुरू हो जाता है, और 8:03 पर कराटे है, 9:15 को स्विमिंग, और उसके बाद 10:10 पर भरतनाट्यम फॉर बिगिनर्स आपने भेजा था, 12:02 पर मुझे अगले दिन का टाइम टेबल सीखना पड़ता है। इस सब के बीच में मेरे पास केवल 10 सेकंड बच जाते हैं डैडी, उस टाइम पे मैं सुसु करता हूँ। सुसु? सुसु? क्या सुसु करना जरूरी है? सुसु तो सभी करते हैं ना डैडी। सब करते हैं? क्या मैं गधों की तरह इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम सुसु ब्रेक ले सको? जब हम छोटे थे तो हम सिर्फ सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलीडेज को सुसु करते थे। डायपर क्यों नहीं पहन लेते हो? मैंने भी प्लास्टिक की चड्डी पहन रखी है, तुम्हारी मम्मी भी डायपर पहनती है, सारी दुनिया पहनती है। तुमने हमें कभी सुसु करते हुए देखा है? नहीं डैडी। तो फिर? और मैंने सुना है कि तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड कुत्ते को खिला दिया था। तुम्हें पता है आज सुबह कुत्ता मर गया, इतनी घटिया रिजल्ट्स कुत्ता भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और मुझे तुम्हारे सारे रिजल्ट्स पता चल गए। मैथ्स में सिर्फ 98.677768%, हिस्ट्री में सिर्फ 99.123456%। ये क्या नंबर है? अपने भाई को देखो, सारे दिन पढ़ता रहता है, अखबार में उसकी तस्वीर आई है, और स्विमिंग भी वो तुमसे फास्ट करता है। पूल का एक कंप्लीट लेंथ उसने सिर्फ 5 सेकंड में किया था। मगर डैडी पूल में तो पानी नहीं था। बहस मत करो, कल से रोज 1:30 तुम मैथ्स ट्यूशन के लिए जाओगे। मगर 1:30 तो मैं स्कूल में होता हूँ। मैं दिन की नहीं रात की 1:30 की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में मुझ जैसे बनना है कि नहीं? मगर फ्यूचर किसने देखा है डैडी? जो आज हमारा फ्यूचर है वो कल हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, और वही प्रेजेंट कल हमारा पास्ट हो जाएगा। इसलिए तो हिंदी लैंग्वेज में फ्यूचर और पास्ट को कल कहते हैं पिताजी। जैसे कि आप जानते हैं पल पल दिल के पास गाना।
और बहस किया तो मैं तेरी डैडी हिम्मत कैसे हुई? कर क्या रहे हो? अरे बच्चे तो हमारे फ्यूचर का इंश्योरेंस, हमारे भविष्य का उजाला, मेरे मसाले डोसे का आलू, आपके पराठों का तेल, खाओगे कैसे? बुढ़ापे में हमारे बीच का लुब्रिकेंट है ये। आप तो समझोगे ही नहीं ना मेरा लाल बड़ा होके क्या क्या कुल के लाएगा। मैं आपको बताती हूँ, अपनी मॉम के लिए मर्सिडीज खरीदेगा, ट्यूबलेट खरीदेगा, खरीदेगा ना, पकड़ जरा, अपने बाप को दिखा जरा, इधर पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये करे। सुनिए तो सही, इसके प्रिंसिपल से बात कर लेंगे ना, इसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी हमें। मिस्टर कक्कर, दिस इयर नो फेलिंग, हां? श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। आइए। या, थैंक यू सर। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए आए हैं? जी। मैथ्स 500 रुपीस, हिस्ट्री 3। नहीं, हम क्वेश्चन पेपर खरीदने नहीं आए, हम परेशान स्वस्ति के बारे में बात करने आ रहे हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं। देखिए, मैं परेशान के बारे में आपको स्ट्रेट बोलता हूँ। तो परेशान इस कंपटीशन भरी जिंदगी में वो सरवाइव कैसे कर पाएगा? उसका जो दिमाग है ना, वो अक्षय कुमार की तरह यहां से वहां जंप करता रहता है। टीचर पूछती हैं आलू कहां उगता है, तो वो घुमा फिरा करके फ्रेंच फ्राइज के रेसिपी में चला जाता है, सॉस वहां से, बर्गर वहां से। देखिए, परेशान जो है ना, बहुत ही सीरियस केस है, हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। आफ्टर ऑल, हमारे स्कूल में इतने बड़े बड़े महान लोगों ने तालीम पाई है। इन सब के पास तो ट्यूबले होगा ना? हमारा स्कूल बड़े नाम वाला स्कूल है। बड़ा सही याद है, एक मिनट। जी। Arkansas still rocks. प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, आप प्लीज हमारी मदद करेंगे ना, प्लीज। नो, कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की लाइफ तो है ही नहीं, बल्कि टीचर की भी लाइफ जो है ना, बहुत ही स्ट्रेसफुल है। आई नो सर, बट प्लीज सर। क्या आप जानती हैं, आजकल हर हफ्ते कम से कम एक टीचर टेरेस से कूद कर जान दे देती है। अनबिलीवेबल। इस वीक में ये तीसरा है। मेरी मानिए तो परेशान को स्कूल से निकाल कर किसी टीवी के डांस शो में भर्ती करवा दीजिए, मैं उसे कुछ अच्छे स्टेप सिखा दूंगा। ये देखिए, लाइक पगला दीवाना। वेरी नाइस सर, पर हम चाहते हैं परेशान आगे पढ़े। आप हमें कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे हम परेशान को पढ़ाने के लिए उत्साहित कर सके? ऑफ कोर्स आइए, ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं हम पेरेंट्स को रेंट पर देते हैं बच्चों को डराने के लिए, और द रिजल्ट्स हैव बीन ग्रेट। ये हंटर ले लेते हैं। अरे ये वाला याद है, परेशान के लिए भी ये हंटर ही ले लेते हैं। वैसे बच्चों को डराने के लिए हमारे पास बॉलीवुड की कुछ हिंदी फिल्में भी हैं, वैसे ये वाली बहुत चल रही है आजकल, ये देखिए। नहीं नहीं सर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लीज नो नो। ये सबसे बेस्ट है, लव स्टोरी 2050, और इसके साथ केमिस्ट्री की पेपर फ्री। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। परेशान? हाँ माँ। आओ बेटा, दोबारा से लव स्टोरी 2050 देखते हैं। नहीं, या तो मूवी देखो या चुपचाप पढ़ाई करो। देखो अपने भाई को, कब से पढ़ाई कर रहा है वो? कब से? माँ, माँ मैं भाई की तरह नहीं पढ़ सकता हूँ, माँ मैं डिफरेंट हूँ, और आजकल बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, आजकल इतना पढ़ना जरूरी नहीं है माँ, मैं क्रिकेट से पैसा कमा सकता हूँ, मैं सानिया मिर्जा की तरह टॉप टेनिस प्लेयर बन सकता हूँ, या तो फिर टीवी पर अपना चैट शो होस्ट कर सकता हूँ। जब आपने पहली बार अपने बहन के पति का मर्डर किया, हाउ डिड इट फील? माँ, आजकल की दुनिया में रिच और फेमस होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है माँ, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो शिल्पा पेटी से पूछ लो। माँ, फाइनली मकसद तो पैसा कमाना है ना माँ, आजकल ये नहीं कहते कि हेल्थ इज वेल्थ, आजकल कहते हैं कि वेल्थ इज हेल्थ। लड़कियां अमीर लड़कों को भाई नहीं बनाती हैं, गरीब लड़के भाई बन जाते हैं, मगर बहन भाई वाले भाई नहीं, गैंग्स वाले भाई माँ, और वही गैंग्स वाले भाई गोलियां खाते। शट अप परेशान, शट अप, पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो परेशान बेटा, तुम्हारे पापा ने और मैंने एक डिसीजन लिया, हमने डिसीजन लिया है कि हम तुम्हें एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे। Ha ha ha!
माँ, माँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। माँ बेटा आज नहीं कल। क्या? ठीक है मैं यहाँ वेट करता हूँ। कुछ भी कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें दिवाली की छुट्टियों में मिलने जरूर आएंगे, प्रॉमिस। टाइम मिले तो पक्का आएंगे। प्रॉमिस मॉम। पक्का। हाँ वैसे अगर डैडी बिजी हो जाए तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सीधा मेरे फाइनल एग्जाम्स के बाद ही आ जाना। स्वीट बॉय। अगर बाय चांस डैडी फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे भी बिजी हो तो बाद में मेरे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के बाद आ जाना, या तो फिर मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर डैडी ना आ पाए तो आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत करना, सीधा मेरे 10+2+3 के बाद आ जाना, या तो फिर सीधा मेरी पहली नौकरी की जब पहली छुट्टी होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि पहली नौकरी में मुझे छुट्टी ना मिले। फिक्र मत करिए, फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब के बीच में जो 2-4 दिन मिलेंगे ना मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। मगर पिताजी रिटायर होने से पहले मैं आपसे जरूर मिलूंगा, आप भी तो बुढ़े हो रहे हैं ना। ठीक है समझ गया। देखा कितना प्यारा बच्चा है मेरा, और जैसे ही नौकरी मिले ना तुरंत अपनी मम्मी को एक ड्यूपली और अपने पापा को मर्सिडीज लेकर के देना। आज हमने तेरे लिए कितना कुछ किया। जैसे कि क्या? जैसे कि तू अपनी माँ से पूछ रहा, जैसे कि अभी तुझे दिखाती हूँ, जैसे कि बैठा रही है ये देख बचपन में जो 200 किलो दूध बैठका ना वो पी के इतना बड़ा हो गया, उसका हाथ मत लगा। ये तेरे टायरिक्स वो कौन सी साइकिल है उसके लिए। कितनी बार कर मीठा मत खाएगा, दांत सड़ जाएंगे। सड़ा सड़ा करके जो दांतों की दवा है उसका। ये ट्यूशन है लगा लगा करके, ये ट्यूशन का बिल है तेरा। किलो पर जुए लेके जो अपने सर पे घूमता था ना स्कूल से ला ला करके, उसको हटाने की दवा। मम्मा दही बड़ा खाना है, ये दही बड़ा का बिल है, ले देख। दही बड़े का 50 रुपए? तुम लोगों ने इसमें वैट लगाया? वैट लगा तो वैट काट देना। चोरी हो रही है यहाँ पे। चोरी हो रही है? सर्विस टैक्स। मेरा बाप चोर है, मैं अपने हाथ में लूंगा। उसे जिंदगी भर काम करवाना चाहते हैं, मैं और नहीं लूंगा। ये क्या बकवास है? मेरे को अब घर रहना नहीं, पर तू रोक ना ले सो डरता हूँ मैं माँ। बाप के फटके रुकते नहीं, तेरे थप्पड़ भी तो खाता हूँ मैं माँ। डाकू डैडी मेरा है ना माँ, तुझे कुछ ना पता मेरी माँ, कुछ ना पता, तुझे कुछ ना पता मेरी माँ, कुछ ना पता। पब्लिक में यू ना फोड़ो मुझे, पॉटी को भी बैठ ना पाऊँ मेरी माँ। भेजाना इतना खाओ मेरा, कहीं डैडी बन जाओ मेरी माँ। क्या मंदिर का घंटा हूँ मैं माँ, क्या मंदिर का घंटा हूँ मैं माँ, क्या मंदिर का घंटा।
मैं खुश हूँ बहुत मेरी माँ। तुझे कुछ ना पता मेरी माँ। परेशान। आओ आओ परेशान आओ। बैठो। वेलकम टू गून स्कूल। थैंक यू सर। आजकल हमारे जैसे बोर्डिंग स्कूल बहुत पॉपुलर हो गए। पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी है कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं, मगर उनका दोष नहीं, ये जमाना ही ऐसा है। मैं भी खुद इतना कभी कभार बिजी हो जाता हूं कि कई इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाता हूं, मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाता, फैमिली मेंबर्स में डिस्टेंस आ जाता है। बहन जी मेरे लिए 2 चम्मच शक्कर। बहन जी, वाइफ को बहन जी बना दिया? वाइफ परेशान। सॉरी सर। हमारा स्कूल बाकी के स्कूलों से बहुत हटके है। हम यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी बेकार चीजें नहीं सिखाते। क्या फायदा? ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत नसीरुद्दीन शाह ने क्यों बनवाई? सर नसीरुद्दीन शाह ने नहीं बनाई, शाहजहां ने बनाई है। एनीवे दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। या फिर लोग ज्योग्राफी, 2 साल में ऑस्ट्रेलिया नीचे से ऊपर कैसे पहुंच गया? सर सर आपका मैप उल्टा है इसलिए आपको ऑस्ट्रेलिया उल्टा दिख रहा है। Is it? तो मैं कह रहा था कि हमारा अप्रोच बाकी के स्कूलों से जरा अलग है। अगर आगे चलकर पैसा ही बनाना है तो क्यों ना सीधे सीधे पैसा बनाना ही सिखाया जाए। इनको देख रहे हो, ये हमारे स्कूल के स्टार स्टूडेंट्स हैं। आज इनका नाम पूरी दुनिया जानती है। जाओ क्लास में जाओ, दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छोगे। ये इंडियन फैमिली में जो बाहर गांव में रह के ही दर बिजनेस चलाता है, वो बिजनेस चलाने वाले को क्या बोलता है? तुम बताने का? सर भाई बराबर है। अभी एक बात बताने का कि वो शाम को जो फेक बना के देती है, वो फेक बनाने वाली को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? तुम बताने का? आंटी सर। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। अभी हमारा एक सवाल का जवाब देने का तुम, कि अभी जब अपना आदमी प्रॉब्लम में रहता है, परेशानी कर रहता है थोड़ा टाइम, तो ऐसा प्रॉब्लम में वो किसके पास जाता है तकलीफ में? परेशान। सर सर मम्मी। छेड़ा, इतना आसान सवाल का तुम जवाब नहीं दे सकते? मम्मी, तुम बताने का? सर अपन उसको माफिया बोलते हैं। बराबर है। अगर सेक्सी शीला को किसी फिल्म में आइटम नंबर के लिए 2,000 रुपए मिले और लंच ब्रेक में 100 रुपया का बिरयानी, 10 रुपया का रायता और 1 रुपया का पापड़, तो उसकी दिन की कमाई कितनी हुई? परेशान। यस मैडम। मैडम वैसे तो शीला की प्रॉब्लम बहुत आसान है, मगर अगर वो लेबर यूनियन से बात करे और उसके बाद लेबर यूनियन वाले प्रोड्यूसर। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। रेस के पहले रेस जीतने के लिए घोड़े को खिलाना चाहिए या जॉकी को? परेशान। सर नेचुरली घोड़े को। सर अगर घोड़े को घास खिलाएंगे तो उसकी बॉडी में शक्ति आएगी। यू डफर, घोड़े को घास नहीं जॉकी को घूस खिलानी चाहिए ताकि वो अपने मालिक के घोड़े को हरा सके। हमेशा गलत जवाब देते हो, तुम्हें तो सिर्फ प्रोफेसर निकम्मा ही मदद कर सकता है। यू डफर। Why so serious? अरे देखो देखो क्या वो दोस्त है
या लगा रहा तुझको छूना कोई, देखो देखो ये सोसाइटी है या करप्शन की पाठशाला कोई, भेजा है या तेरी खोपड़ी में बेकार सा है सर्किट लगा कोई, हम जैसे रखे ये जहां है वैसा ही ऐसी हो वट अपनी, खुल के मारे आओ सबका बैंड बजाओ रंग अपने दिखलाओ, चलो 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 तोड़ फोड़ कर ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, लाफा मम्मी तू क्या जा रे लेना पैसा, पैसा बम बम ले ले बम बम तू ले ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, और पीपी के कर टैंकर फुल, टैंकर फुल खड़े हो तो बैलेंस गुल, बैलेंस गुल बैलेंस गुल, ओए गंदी चीजें बेच रे बेच रे बेच रे बेच रे, कर ले बिंदास झोल रे झोल 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 रे, मैं भी मैं तू भी मैं तू भी मैं भी तू भी हम सब क्रेजी, बम टेक बम बम फेक बम बम मेक बम बम टेक, बम बम टेक बम बम फेक बम बम मेक बम बम टेक, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले, बम बम ले ले बम बम तू ले ले। सबसे ज्यादा पैसा किस में बनाया जा सकता है? सुरेश तुम बताओ। सर मटका। जॉन तुम? सर हॉर्स रेसिंग। करेक्ट जवाब है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पैसा बनाना आसान है, पेटियां घर पहुंच जाती हैं। और अगर आप जेल जा चुके हो तो पॉलिटिक्स इज बेस्ट, क्योंकि जेल में आपने ऑलरेडी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट फिल्म स्टार्स और पुलिस वालों के साथ कॉन्टैक्ट बना लिए होंगे। बड़े दुख की बात है कि इस देश में पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन गया है। क्या इसी दिन के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला? क्या इसी दिन के लिए हमारे दादा परदादा उनके परदादा जेल गए थे? आज अगर अंग्रेज होते तो उनकी औरतों की तरह हमारी औरतें भी दिन भर लिपस्टिक और मिनी स्कर्ट पहनती, और अगर इस देश में औरतें मिनी स्कर्ट पहनती तो इस देश के मर्द दिन भर इस इंतजार में रहते कब वो मिनी स्कर्ट हवा में उड़ता और इससे ये देश बर्बाद होता। क्या इसी दिन के लिए हम आजाद हुए थे? रस्ते में पॉटहोल्स, पॉटहोल्स में पॉटहोल्स, पॉटहोल्स के पॉटहोल्स में पॉटहोल्स, आलू 15 रुपए, टमाटर 25 रुपए, इडली सांभर 17 रुपए, भेलपुरी वड़ा पाव 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40। सॉरी मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप आदमी हूँ। इतनी महंगाई सिर्फ रैमसंग फोन सस्ता है, टिंग खरीदना मत भूलिए। रैमसंग फोन 2 megapixel कैमरा, 4GB एक्सपेंडेबल कार्ड, FM रेडियो, ओनली 5,000 रुपीज। अनबिलीवेबल। परेशान बेटा क्या हुआ? सर कल हम सब हॉस्टल में 3 बत्ती खेल रहे थे और परेशान अपने पैसों के साथ अपने कपड़े भी हार गया। तो ये बॉटल किसकी? सर मैं बताता हूँ, ये जो परेशान है ना, कल इसने हमसे पैसे उधार लिए थे तो इसलिए आज पैसे जमा करने के लिए हमने इसकी किडनी बेचने का बंदोबस्त किया है। हाँ ये बॉटल मुझे दे। अबे मेरा यार। ये मेरा आइडिया है। मारूं तुझे मैं। स्टॉप इट मारूक, स्टॉप इट बलवान, हर वक्त झगड़ते रहते हो, बॉटल मुझे दो। देखो परेशान स्कूल में नया आया है और उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए, और मुझे यकीन है कि एक महीने में ये इम्प्रूव हो जाएगा। इम्पॉसिबल सर, लगाते हो सर, 10 लगाओ 50 कमाओ, 10 लगाओ 50 कमाओ। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, बॉयज, सिट डाउन, स्टॉप इट। सर हॉर्स रेसिंग के रिजल्ट आ गए। ले
परेशान फिर से फेल। बॉयज क्लास डिसमिस, ये बाहर जाके बांटो। कम ऑन आउट बॉयज। थैंक यू थैंक यू। परेशान बेटा, क्लास के बाद मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्या बात है परेशान, मटका और स्टॉक मार्केट में तुम्हारे मार्क्स कम आए और हॉर्स रेसिंग में भी तुम फेल हो गए। सर बलवान ने कहा था कि खतरनाक कटरीना सब कुछ छोड़कर आगे निकल जाएगी, इसलिए मैंने उस पर ही बैट लगा दी। वो उसके घोड़े के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है और वो इसलिए आगे पहुंची है क्योंकि उसने उसको छोड़ा है। एनीवे प्रॉब्लम क्या है परेशान, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों? सर मैं किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूँ सर, किसी भी एक थॉट को पकड़ के रख नहीं सकता। कोशिश करो परेशान। क्या कोशिश करूँ सर? एक थॉट को पकड़ के रखेंगे। क्यों? अभी तुमने कहा था कि एक थॉट को पकड़ के रख नहीं सकते। मैंने कहा था कब? अब। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कब। लेकिन कब के पहले मैंने कहा था अब, जिसके पहले तुमने कहा था कब, जिसके पहले मैंने कहा था कि तुम्ही ने तो कहा था कि एक थॉट को पकड़ के रख नहीं सकते, जिसके पहले तुमने कहा था क्यों 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 क्या पहला वाला क्यों कि सेकंड वाला क्यों? एनीवे इस प्रॉब्लम की बेसिक वजह क्या है? सर मेरे माँ बाप मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं सर, और इससे मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ सर। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर उनके लिए मर्सिडीज कार खरीदूँ, बंगला खरीदूँ, वो हर एक चीज़ खरीदूँ जो वो नहीं खरीद पाए, इसलिए मुझे दिन रात ट्यूशन के लिए भेजते रहते हैं। कहते हैं कि नंबर वन आओ, नंबर वन आओ, मगर मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल दिलचस्पी नहीं? क्या अभी तुमने कहा था कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं? मैंने कहा था। नेवर माइंड, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हुआ करते थे और मुझे मालूम है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए। मेरी टी शर्ट पकड़ो और आओ मेरे साथ। सरकार आपके लिए कोई आया है? एक मिनट, पहले मैं अपने ब्लॉग की एंट्री कर लूं। एक अमर सिंह भी हमेशा मुझे याद दिलाता रहता है कि वो हीरो बनना चाहता है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं? ठीक है एक मिनट, ब्लॉग। ओ निकम्मा जी बैठिए भाई, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या कोई नया एक्ट करना चाहते हैं आप? तो मैं आपको ये बता दूं कि च्यवनप्राश और हेयर ऑयल को छोड़कर मैं आपको किसी भी कंपनी में मॉडलिंग का चांस दिला सकता हूं। नो थैंक्स, मेरा कोल्ड ड्रिंक का इश्तियार अच्छा चल रहा है। तो किसी की किडनैपिंग करानी है तो मैं आपको बता दूंगा कि किडनैपिंग के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 1 किलो डिटर्जेंट फ्री। नो थैंक्स। तो रजिस्ट्रेशन पे 20% डिस्काउंट और उसके साथ 2 प्लास्टिक का बाल्टी मुफ्त। एक्चुअली ये परेशान है और इसके मम्मी पापा को समझाना है। इस काम में बहुत खतरा है, ये मम्मी डैडी को समझाना बहुत खतरनाक काम है। सरकार जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें डिस्काउंट दीजिए। मैं और बच्चे लाऊंगा, वो आपको दुआएं देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, इस पढ़ाई और ट्यूशन ने इन बच्चों के दिमाग में कितना जहर खोल दिया। ओहो, ना जुआ खेलने का वक्त मिलता है, ना चोरी करने का वक्त मिलता है। अच्छा। सिर्फ पढ़ते रहते। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो स्कूल से जैसे ही आता था सबसे पहले किति किति खेलता था। किति 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 यू नो किति किति या किति किति यस किति किति ओके आज बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, स्विमिंग ट्यूशन, कराटे ट्यूशन, कुकिंग ट्यूशन, बात करता जब भी कभी आता मेरा टेबल तोड़ के जाता है। सॉरी मैं थोड़ा सेंसिटिव आदमी हूं। परेशान बेटा, क्या तुम चाहते हो कि सरकार जी आपके मम्मी पापा को समझाएं? सोच के बताऊंगा निकम्मा सर,
ये उनके लिए। वाह, तुम तो वाकई बड़े टैलेंटेड पेंटर हो। थैंक यू सर। ये परेशान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। आगे बताइएगा मुझको आप। थैंक्स। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। गोविंदा 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 गोविंदा। मेरे को बुलाया क्या? नहीं तो आई ना। मेरे को लगा कि किसी ने मेरे को बुलाया। सर सर सर, वो सरकार से मिलने के बाद मुझे तो लग रहा है कि अगर आप ही मेरे मम्मी डैडी से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कुछ करूँगा। यार तू ड्राइंग तो बड़ी अच्छी करता है। हाँ सर, एक और बनाइए दिखाऊं। ओके, ये देखिए अलसी चंबली चुड़ैल। वाओ, ग्रेट, फैंटास्टिक। ऐसी गंदी बेहुदा और वाहियत पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक यू सर। अब तक जितने भी थोड़े पैसे मैंने कमाए हैं वो ऐसे ही बेहुदा सीक्रेट फिल्म्स के पोस्टर्स बनाकर कमाए हैं, जैसे कि खून की प्यासी डायन, हसीनों का पसीना, भूतिया आंटी। तो अपने स्कूल के टॉयलेट्स में पेंटिंग्स तूने की है? तुझे तो इस देश के सारे टॉयलेट्स में पेंटिंग करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान टॉयलेट्स, फिर नेपाल टॉयलेट्स, फिर बांग्लादेश, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सर, मैं स्टार बनूंगा। लेकिन तू इस कला का करेगा क्या? तुझे मालूम है कि इस देश में टैलेंटेड लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ए, बच्चों को क्यों डराता है? फिल्म स्टार्स वेफर बेचते हैं। मेरी खुद की हालत देख। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। अरे भाई जरा एक देना। पुक चलेगा। थैंक यू, कीप इट। थैंक्स। लेकिन तू इस पेंटिंग की कला से करेगा क्या? 10 साल आगे तू अपने आप को कहां देखता है? सर सर, 10 साल आगे मैं और बच्चलन और बेहुदा सीक्रेट फिल्म्स के पोस्टर्स बनाऊंगा और वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। वेरी गुड, जस्ट लाइक बलवान। अच्छा सुन, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन है। तू अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन ये मत भूलना कि हॉर्स रेसिंग, मटका मैनेजमेंट और पिक पॉकेटिंग में भी तुझे आगे आना है। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा से बोलता हूँ कि तू एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। थैंक यू सर। ये है परेशान के पापा और ये है परेशान के टीचर प्रोफेसर निकम्मा। वो हमारा दूसरा बेटा है, परेशान का बड़ा भाई। पूरा दिन पढ़ाई करता है, सांस लेना भूल जाता है, लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलता है ना। तो कैसा है हमारा बेटा? मैं मर्सिडीज की बुकिंग करा लूं क्या? मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था। परेशान हर सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, हॉर्स रेसिंग में पैसे हार चुका है, मटका में पैसे हार चुका है, स्टॉक मार्केट में उसके पैसे डूब गए हैं, झूठ बोलने में भी फेल हो गया है वो। 2000 रुपए उधार ले चुका है वो मुझसे, 2000 रुपए जो आप सेटल हो गए। ठीक है प्लीज, आप रोना बंद कीजिए ना, हमारा इतना महंगा कारपेट खराब हो जाएगा। वो ना देख सकता। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सेंसिटिव और इंटेंस आदमी हूँ जी। लेकिन अगर आप एक एक लकड़ी का टेबल मुझे दे दें जिसपे मैं अपना मुक्का मार सकूं, तो मैं ये रोना बंद कर दूंगा। मैडम, परेशान में एक ऐसी टैलेंट है जो दूसरे बच्चों में नहीं है। वो एक पेंटर है, आर्टिस्ट। सच? और दरअसल जो थोड़े बहुत लोन्स उसने चुकाए हैं वो इसी आर्ट की मदद से चुकाए हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे चीटिंग, स्कैम, फॉर्जरी में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव कर रहा है ना? अभी हाल ही में उसने आपके सिग्नेचर का फॉर्जरी करके आपका अलीबाग वाला बंगला बेच दिया। क्या? So good. तो फिर
आप रो क्यों रहे हैं? रोना तो हमें चाहिए। ये देखिए सर, परेशान का लाजवाब पेंटिंग। क्या कर रहे हैं? कारपेट खराब करो, बाथरूम में जाओ। I'm really sorry. एक बात बताइए प्रोफेसर, परेशान का इसमें कोई फ्यूचर है कि ऐसी? मैडम मुझे यकीन है कि एक दिन परेशान NH होफेन, रेम्ब्रांट, वैन गो, माइकल एंजेलो के टॉयलेट्स पे पेंटिंग बनाएगा। टॉयलेट्स में क्यों? मैडम मैं परेशान को और अच्छी तरह जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसके कमरे में ले जाएंगे? आप हमारा कमरा देख लीजिए प्लीज। ओके ठीक है, वहां चलिए। कारपेट खराब मत करिए ना प्लीज। प्राइसलेस। जी ये है परेशान का रूम। सब उसी ने बनाई है। हाँ हाँ वो भी। मैडम अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन है और परेशान को एनकरेज करने के लिए आपका आना बहुत जरूरी है। क्या बना रहे हो सर? ये आदमी स्टॉक मार्केट में सारे पैसे हार चुका है और अब टेरेस से जंप करने वाला है। ब्रिलियंट। थैंक यू सर। वेरी गुड, कीप इट अप। तुमने परेशान को देखा? हाँ सर, पिछले हफ्ते देखा था ना। परेशान को देखा? नहीं मिल रहा। क्या परेशान नहीं मिल रहा? दोस्तों मौके का फायदा उठाओ, बेट लगाओ, बेट लगाओ। क्या परेशान मिलेगा या नहीं? 10 रुपए लगाओ, 20 रुपए कमाओ। 10 लगाओ, 20 कमाओ। स्टार्ट योर बेटिंग, परेशान मिसिंग। ये मेरा दोस्तों। ओए इधर क्या कर रहे हैं? 10 मिनट बाकी है, पेंटिंग तैयार है ना? चल कुछ दिखाना तेरे को। चल चल चल। तू नीचे आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। निकम्मा सर। कमिंग। बहुत अच्छा है सर, लेकिन देखकर वहां पे जल्दी आ जाना अपनी पेंटिंग के साथ। सी यू।
हेलो। तो अंत में हमारे आज के चीफ गेस्ट एन एच हुफेन हमारे आज के पेंटिंग कंपटीशन का विनर अनाउंस करेंगे। आज के विनर है परेशान और स्वस्ती। तो उस्तादों का उस्ताद निकला, सब कुछ सीख गया। थैंक यू सर, मैं कितना खुश हूं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। आज देश के टॉयलेट्स तुम्हें बुला रहे परेशान। चले चलिए सर, चलिए चलो।